अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशंस। सो सॉल्यूशंस में से आज हमने इसके फर्स्ट 6.1 जो मेजर कॉन्सेप्ट दिए गए हैं सिर्फ उसको डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा आज का। सो इसमें हम देखेंगे टर्म सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सो नाउ कम टू द टॉपिक, that is solution. Here is the introduction of solution. Solution से आपके जहन में फ़ौरन से जो पहली चीज़ कोई पहला कुछ इस तरह का कोई solution माइंड में आए तो you can easily say a glass of water, having a spoon of sugar in it, एक चम्मच चीनी पानी में डली हुई हो, थोड़ा सा नमक पानी में डला हुआ हो, तो ये इजी एग्जांपल है सॉल्यूशन की। और ये टर्मिनोलॉजीज जो हैं आप 6 क्लास से सुनते आ रहे हैं, सो दीज आर नॉट न्यू फॉर यू। सो यहाँ से हम इसको बस टर्मिनोलॉजीज को डिफाइन करेंगे, डिस्कस करेंगे जो नई बातें हैं यहाँ पे। सो इंट्रोडक्शन में आपको बताया गया कि सॉल्यूशंस जो हैं होमोजीनियस मिक्सचर हैं मोर टू और मोर कंपोनेंट्स के, और सॉल्यूशन फॉर्म में आपके जहन में फ़ौरन से आएगा कुछ लिक्विड फॉर्म में। तो हम इस चैप्टर में देखेंगे सिर्फ जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं हम उन्हें ही सॉल्यूशन ही कहते। नई बात आपको ये पता चलेगी कि गैसियस फॉर्म में भी सॉल्यूशंस हैं, सॉलिड फॉर्म में भी सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। सो यहाँ पे एग्जांपल में आपको दिया गया है अलॉय इज़ अ सॉलिड सॉल्यूशन। अलॉय जैसे आपका जो स्टील का ग्लास है या घर में यूज़ होने वाले और कोई स्टील के बर्तन हैं देगच के वगैरह, वो भी सॉल्यूशन है, लेकिन वो सॉल्यूशन वर्ड सॉल्यूशन से आपके जहन में वो नहीं आते। अब आपको पता चल गया है कि सॉलिड में सॉलिड की जो मिक्सिंग हुई हुई हो उसे भी हम सॉल्यूशन ही कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा गैसियस में की एग्जांपल में से गैसियस की एग्जांपल में से बेस्ट एग्जांपल है एयर। एयर जिसमें हम सांस लेते हैं वो बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है, ठीक है, बहुत सारी गैसेस का, गैस का गैस में सॉल्यूशन है। ओके एंड नाउ कम टू द प्रॉपर डेफिनेशन, इसमें से याद करने वाली चीज़ें। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस ठीक है, ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। और इसके अलावा साथ आप इसकी एग्जांपल ऐड कर लें, फॉर एग्जांपल द एयर वी ब्रीथ इज अ सॉल्यूशन ऑफ सेवरल गैसेस, ठीक है, एक एग्जांपल ऐड कर लें। या इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं शुगर डिजॉल्व इन वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। यहाँ से आपको प्रॉपर लर्न करने वाली बातें जो हैं वो इसकी प्रॉपर डेफिनेशंस और उसकी साथ साथ एक एग्जांपल, ठीक है। ओके, जिसके अलावा सॉल्यूशन के बारे में नई बात जो आपको पता चलेगी वो ये कि अगर आपने ये पता चलाना है कि कोई लिक्विड या कोई सॉलिड या कोई गैस अगर अपनी आया अपनी प्योर फॉर्म में है या सॉल्यूशन की फॉर्म में है, इसमें किसी और चीज़ की मिक्सिंग है, आपको ये पता चलाना हो, तो आप लिक्विड सॉलिड और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें से आप इवेपोरेशन की प्रॉपर्टी को से उसको चेक कर सकते हैं कि अगर आप प्योर कोई लिक्विड लें और उसको इवेपोरेट करें, उसको टेम्परेचर दें जिस पे वो इवेपोरेशन के प्रोसेस से गुजरे और इवेपोरेट हो रहा हो, तो अगर तो उस टेम्परेचर पे सारा का सारा लिक्विड इवेपोरेट हो जाए और उसका जो कोई भी पीछे कुछ भी ना बचे, ठीक है, तो आपका इसका मतलब है कि वो प्योर लिक्विड है। लेकिन अगर पीछे कोई रेजिड्यू बचे, कोई वाइटिश सॉल्ट बचे, तो फिर वो क्या होगा, वो सॉल्यूशन होगा। तो इसको आप प्रैक्टिकली अगर परफॉर्म करके देखना चाहें तो देख सकते हैं कि अगर आप नमक 2 चम्मच नमक डालें थोड़े से पानी में, उसमें डिजॉल्व हो जाएगा, गायब हो जाएगा बिल्कुल। तो उसको आप अगर चूल्हे पे रखें, हीट करें, तो पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है उस पर इवेपोरेट होना शुरू होगा, तेज़ी से बॉयल होता होता इवेपोरेट हो जाएगा। और जैसे ही इवेपोरेट हो जाएगा तो बिल्कुल उसमें वाटर कॉन्टेंट ख़त्म हो जाएगा आपके पॉट में,
और जो 2 चम्मच नमक आपने डाला था वो वैसे का वैसे आपको नीचे उसके बॉटम में नज़र आएगा, ठीक है। सो हेयर वी कैन चेक द डिफरेंस बिटवीन सोल्यूशन एंड द प्योर लिक्विड। सो हेयर आर द 2 पॉइंट्स अबाउट द सोल्यूशन। इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स एंड इट हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन। इस सोल्यूशन में जो भी चीज़ ऐड हो उसमें उसमें उसकी प्रॉपर्टीज आती हैं, ठीक है, और उसकी जो कंपोजिशन है वो वेरी कर सकती है। उसके बाद टर्म है जी एक्वस सोल्यूशन की, ये हाईलाइटेड ऑलरेडी है, इटैलिक्स में लिखा हुआ है, ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है कि द सोल्यूशन विच इज़ फॉर्म्ड बाय डिजॉल्विंग अ सब्सटेंस इन वाटर इज कॉल्ड एन एक्वस सोल्यूशन। यानी सोल्यूशन का मीडियम अगर वाटर होगा तो वो एक्वस सोल्यूशन कहलाएगा हमेशा, ठीक है। ये इटैलिक्स में जो लिखी है ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। तो एक्वस सोल्यूशन में वाटर का होना ज़रूरी है, और यहाँ पे इसकी एग्जांपल कोट कर लें, फॉर एग्जांपल शुगर इन वाटर एंड टेबल सॉल्ट इन वाटर, ये इतनी सी चीज़ें इनफ हैं। द सोल्यूशन विच इज़ फॉर्म्ड बाय डिजॉल्विंग अ सब्सटेंस इन वाटर इज कॉल्ड एन एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। और उसके बाद इसकी एग्जांपल में आप लिखेंगे फॉर एग्जांपल शुगर इन वाटर एंड टेबल सॉल्ट इन वाटर, ठीक है जी। इसमें से बस आपने इतना ही लर्न करना है। उसके बाद सोल्यूट, यू ऑलरेडी नो द टर्म, उसको रिवाइज कर लें कि जब सोल्यूशन में जो चीज़ थोड़ी अमाउंट में हो उसको हम सोल्यूट कहते हैं। ये इसकी इटैलिक्स में लिखी हुई है डेफिनेशन, इसको हाईलाइट कर लें और इसको आपने प्रॉपर लर्न करना है। द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन विच इज़ प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वान्टिटी इज कॉल्ड सोल्यूट, ठीक है। तो अब यहाँ पे सोल्यूट की के टर्म को समझने के लिए आप वही पानी और नमक की एग्जांपल ले लें। आपने वो अभी थोड़ी देर पहले जो पानी में 2 चम्मच नमक डाला था तो उसमें नमक की क्वांटिटी कम थी, पानी की क्वांटिटी ज़्यादा थी। तो जिसकी क्वांटिटी कम थी उसको अब हमने कहना है इन जनरल, नमक तो है ही, इन जनरल उसको आप कहेंगे सोल्यूट, ठीक है। सो यहाँ से आप एग्जांपल कोट कर लें, फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट सोल्यूशन इज मेड बाई डिजॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर। सो सॉल्ट इन सोल्यूशन, सॉल्ट इज द सोल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। ये एग्जाम्पल है जो आप सॉल्वेंट में भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ से इतना आपने इसको लर्न करना है, इसकी डेफिनेशन और एक एग्जाम्पल। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या चीज़ है? द कंपोनेंट ऑफ अ सोल्यूशन विच प्रेजेंट इन लार्जेस्ट क्वांटिटी, पहली चीज़ तो आपको एक्सप्लेन कर दी। जो दूसरी चीज़ है वो जो कि ज़्यादा अमाउंट में है वो क्या है? आपका सॉल्वेंट है। हेयर इज द डेफिनेशन, द कंपोनेंट ऑफ अ सोल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्वेंट, ठीक है जी। तो यहाँ पे इसके 2 पॉइंट्स अगर आप करें तो दूसरी चीज़, दूसरा पॉइंट बनेगा सॉल्वेंट ऑलवेज डिजॉल्व सोल्यूट। सॉल्वेंट ऑलवेज डिजॉल्व सोल्यूट, यानी जो चीज़ ज़्यादा हो वो सॉल्वेंट कहलाएगी। जैसे आपके नमक की डब्बी है उसमें आप 1 चम्मच पानी डाल दें तो सारा का सारा नमक जो है वो गीला हो जाएगा, लेकिन उस फॉर्म में भी वो सोल्यूशन है। लेकिन उस सोल्यूशन में जो आपका नमक है वो कहलाएगा सॉल्वेंट, और जो आपका पानी है वो कहलाएगा सोल्यूट, क्योंकि पानी थोड़ी अमाउंट में है और नमक ज़्यादा अमाउंट में है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, सेमी सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है या एयर की फॉर्म में है। जो भी चीज़ सोल्यूशन में, जो भी चीज़ों में से एक दो चीज़ों में से एक चीज़ कम होगी वो सोल्यूट होगी, और जो दूसरी चीज़ ज़्यादा होगी वो उसका सॉल्वेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल कोट की गई है, फॉर एग्जाम्पल एज रेफर्ड अबव सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक का रेफरेंस दिया गया है कि सॉफ्ट ड्रिंक जो है उसमें वाटरी मीडियम होता है, आपको पता है वो लिक्विड फॉर्म में होती है, तो उसमें वाटर जो है वो एज अ सॉल्वेंट यूज होता है, और उसमें डिजोल्व हुए हुए जो उसको टेस्ट दे रहे होते हैं शुगर सॉल्ट एंड जो उसमें गैसेस भी आपको पता है मौजूद होती हैं वो उसमें एक्ट कर रही होती हैं एज
सोल्यूट्स, ठीक है, यानी आपकी कोको कोला की बॉटल जो है उसका मीडियम आपको पता लिक्विड है, उसको बनाने के लिए वाटर यूज़ हुआ है, तो वाटर उसमें उस बिहेव कर रहा होता है एज सॉल्वेंट, और जो उसके बाकी कंपोनेंट्स हैं उसके डिफरेंट जो फ्लेवरिंग एजेंट्स हैं और उसका जो सॉल्ट एंड गैस कंटेंट है वो उसमें डिजॉल्व हुआ हुआ होता है एज सोल्यूट, ठीक है। सो हियर इज द टर्मिनोलॉजीज एंड इनफ फॉर द फर्स्ट टॉपिक। हमने आज पढ़ा है सोल्यूशन की डेफिनेशन, उसकी एग्जाम्पल, और इसके साथ हमने पढ़ा है एक्वस सोल्यूशन, उसकी डेफिनेशन, फॉर एग्जाम्पल सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सो सिंपल एंड सो ईजी ये वर्ड विद एग्जैक्ट स्पेलिंग, और इसके साथ साथ एक एग्जाम्पल डेफिनेशन और एक एग्जाम्पल आपने साथ ही लर्न करनी है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।